गाइस आपका स्वागत है आपकी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी राबड़ी और उसके गुण क्या है, वो कैसे बनती है, चलिए देखते हैं। राजस्थानी राबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए एक जग छाछ और कटे हुए प्याज, जो का आटा और नमक। जो का आटा बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। जो के आटे में विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ए, B12 भी होता है। इसमें ज्यादातर प्रोटीन, विटामिन और सभी चीजों की ये पूर्ति करता है। ये बहुत ही हेल्दी होता है। राजस्थान में इसीलिए गर्मियों में इसको पीते हैं। इसके पीने से हमेशा दिन में सारे दिन एनर्जी बनी रहती है, प्लस लू नहीं लगती है इसको पीने से, ये ठंडी रहती है। इसके बहुत सारे गुण हैं, आप अच्छे से सर्च करेंगे तो आपके इसके बारे में पता चलेगा। राजस्थान में ये राबड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। गर्मियों में इसको शाम को दूध में मिला के पीते हैं और सुबह इसको छाछ के साथ पीते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, हमने लिया है जौ का आटा। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, डालेंगे प्याज, प्याज को काट के धो लें और उबाल लें, और चाहिए हमें एक जग छाछ। तो आइए शुरू करते हैं। प्याज को धो के काट के उबाल लेंगे। और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। इसको उबल देंगे अच्छी तरह से। जब तक ये उबलेगी, इस दूसरे चूल्हे के ऊपर हम राबड़ी का घोल बना के वो बना लेंगे। प्याज उबलते हैं, हम राबड़ी का घोल तैयार कर लेंगे। प्याज डाल दिए हमने, अब इसमें डाल देंगे एक कटोरी जौ का आटा और आधा चम्मच जितना नमक, क्योंकि हमने प्याज में भी नमक डाला है इसलिए, और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी। इसको पानी हम इसलिए ज्यादा डाल रहे हैं क्योंकि इसको काफी देर तक हमें पकाना होता है। ये जब तक अच्छी तरह से नहीं पकती है, इसका स्वाद अच्छे से नहीं आता। बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप B12 या इंजेक्शन ले रहे हैं तो पीने के बाद उसको लेने से आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और इसको पका लेंगे। चलाते ही पकाएंगे, नहीं तो इसके फटने का डर रहता है। लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। देख सकते हैं आप, जब तक ये ऐसे नहीं उबले आपको इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगा। इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। और अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज का पानी हमने निकालेंगे, पानी के साथ ही इसको डाल देंगे और कम से कम कम गैस के ऊपर इसको आपको 10 मिनट तक पकाना। 10 मिनट तक पकने दें तो इसकी जो झाग आप देख रहे हैं ये पूरे खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी राबड़ी पक गई है। 10 मिनट तक पकने देते हैं इसको। गाइस देखिए, राबड़ी को मैंने ठंडा कर लिया है।
राजस्थान में एक ट्रेंड है कि रात को सब लोग दूध में मिक्स करके इसको पीते हैं। तो ये दूध है, इसमें हम पहले राबड़ी डाल लेंगे, आधा गिलास राबड़ी का, और अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे और इसको रात को गरम गरम ही पीते हैं। सुबह इसमें इसको ठंडी करके, मैं आपको बर्फ़ डाल के दिखा रही हूँ, सुबह ठंडी हो जाती है ये, तो इसमें इतनी छाछ मिक्स कर लेते हैं और ऊपर से राबड़ी डाल देते हैं, तो ये ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। हमारी राजस्थानी बियर यानी कि राबड़ी, रात को आप इसको दूध में डाल के पिए और सुबह आप इसको ठंडी होने के बाद, ठंडी हो जाएगी अपने आप, गर्म नहीं करनी है सुबह इसको, आपको आप इसमें छाछ मिला के पिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। आप इसको ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत सी बीमारियों का अकेली ये देसी राजस्थानी राबड़ी ही इलाज है। तो बनाएं, खाएं, और आपको ये कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।